नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खेसारी लाल यादव का एक नया भक्ति देवी गीत आज अचानक से कर दिया गया रिलीज, जिसका नाम है मैया के गोरवती। इसकी पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा, आप तब तक कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों, जो ये खेसारी लाल यादव का भक्ति देवी गीत है मैया के गोरवती, ये रिलीज किया गया चंदनपुरा फिल्म, जो चैनल है आप बगल में देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको वहां से आप अगर इसको सर्च करना चाहें तो सर्च कर लेंगे, आपको गाना मिल जाएगा। और एक ही गाना इस चैनल पे अभी रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, बात यह है कि खेसारी लाल यादव का गाना इसलिए अचानक से एक इतने छोटे चैनल पर रिलीज किया गया, जिसपे अभी तक कोई वीडियो ही नहीं थी, आज ही चैनल को बनाया भी गया है। तो हाल ही में अभी खेसारी लाल यादव के 3-4 गाने ग्लोबल म्यूजिक कॉपीराइट क्लेम लगाकर उन गानों को कर दिया गया प्राइवेट अदर कंपनियों के द्वारा। तो इसके चलते हुए खेसारी लाल यादव का गाना मुझे लगता है कि अपलोड किया गया एक छोटे से चैनल पर अगर ग्लोबल म्यूजिक कॉपीराइट क्लेम भी लगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो बड़े चैनलों को, क्योंकि इस पे भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा चैनल है तो क्या हुआ, वो गूगल से एडवर्टाइज करा देंगे, एड लगा करके कर देंगे गाने को वायरल और गाना चलने लगेगा, बाद में इस चैनल को कर लेंगे मोनेटाइज और उनको पैसा भी अर्निंग हो जाएगी। तो यही वजह है कि खेसारी लाल यादव का जो गाना है छोटे चैनल पर रिलीज किया गया, ताकि अगर ग्लोबल म्यूजिक कॉपीराइट क्लेम भी लगे तो कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, फिर से कोई नया चैनल बना के उस पे फिर से कर दिया जाएगा गाने को अपलोड। तो हाल ही में और प्रॉब्लम ये थी, जो उनको ये होता कोई कागजी कार्यवाही जो होती है जैसे एग्रीमेंट वगैरह, इन्हीं के कारणों से ग्लोबल म्यूजिक कॉपीराइट क्लेम लगते हैं। अगर आपने भी कभी वीडियो अपलोड किया होगा तो आप भी देखे होंगे कि आपका भी ग्लोबल म्यूजिक कॉपीराइट क्लेम के जरिए वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाता है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।